नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो क्या आपके यहाँ पर भी आपके भाई की या दोस्त की शादी है और आप सोच रहे हैं कि संगीत पर या वेडिंग के किसी भी फंक्शन पर एक बार तो ऐसा डांस जरूर करूंगी कि बस सब मुझे ही देखते रह जाएं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्यारा भैया मेरा पर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। माना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर विश्वास कीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बार भी स्टेप को नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छे से अपनी डांस परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होती है म्यूजिक से। तो 6 बीट का एक म्यूजिक आता है पहले, उस पे आपको क्या करना है, अपना एक पैर आगे निकालना है और अपने दोनों हाथ एक साइड में ले जाते हुए एक हाथ को शोल्डर से इस तरीके से और दूसरे हाथ को एल्बो से टच करना है। सेम आपको दूसरी साइड यही रिपीट करना है, ठीक है। पैर आपको चलाने 1 2 3 4। तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद फिर 6 बीट का एक और म्यूजिक आता है, इस पे आपको क्या करना है, पैर आपके सेम वही चलेंगे, बस आपको स्टेप चेंज करना है हाथों का। अपना एक हाथ साइड में से ले जाते हुए ऊपर लाना है और थंब को टच करना है शोल्डर से। सेम दूसरी साइड 2 और फिर शोल्डर को अप डाउन करते हुए राउंड लेना है। तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर से एक और बार रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है गाना और बोल है प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनकर आ गया। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आप जैसे यहाँ पे आपने खत्म किया, अब आपको अपना एक हाथ चिन पे लाना है और दूसरा हाथ एल्बो पे, ठीक है। और सामने आपका जो दोस्त बैठा है, आपका भाई बैठा है, उसे देखना है कि वो दूल्हा बना हुआ कितना ही खूबसूरत लग रहा है और उसे निहारना है, प्यारा भैया मेरा दूल्हा। इसके बाद लाइन आती है, दूल्हा राजा बनकर आ गया। आपको क्या करना है, जैसे घोड़ी पर आया है, घोड़ी पर जाएगा दुल्हन को लेने के लिए, तो आपको घोड़ी, जैसे घोड़ी खिलाते हैं ना चाबुक, उसकी स्टेप करनी है। अपना एक हाथ सामने लाना है और दूसरे हाथ को सिर के ऊपर इस तरीके से, 1 2 3 4 3 4 आ गया, ओके। जैसे कहते हैं ना, आइए स्वागत है आपका, सेम वही स्टेप करनी है, आ गया। तो पूरा स्टेप क्या रहेगा, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया। फिर है प्यारा भैया, आपको क्या करना है, अपना एक हाथ कमर पे लाना है और सामने अपने भाई को दिखाना है, प्यारा भैया मेरा मेरा, ठीक है, मैं गा रही हूं तो मेरा। इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। इसके बाद लाइन स्टार्ट होती है, रेशम की पगड़ी पर सहरा घर आंगन महका गया। आपको क्या करना है, रेशम बताया आपने कि रेशम का कपड़ा सिर पर है, पगड़ी सहरा, ठीक है, रेशम की पगड़ी पे सहरा, सहरा पगड़ी, फिर सहरा पे आपको साइड हो जाना है, सहरा घर आंगन महका गया प्यारा भैया मेरा। बिल्कुल लिरिक्स के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, रेशम की, पैर नहीं चल रहे, पैर आगे रखा हुआ है, आप चाहे तो पैर को चला सकते हैं। रेशम की पगड़ी पर सहरा, ठीक है, तुरंत आपको मुड़ जाना है, सहरा घर आंगन महका गया प्यारा भैया मेरा। अब आता है छोटा सा पार्ट म्यूजिक का, इसमें आपको क्या करना है, अपना एक हाथ ऊपर रखना है और एक हाथ नीचे की तरफ, हाथ इस तरीके से मूव करेंगे और आपको राउंड लेना है, 1 2 और 3 4, अपनी जगह पर ही कमर चलानी है, 3 4। फिर से वही वाली लाइन रिपीट होगी,
प्यारा भैया मेरा, और आपको स्टेप को रिपीट करना है। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन महका गया, प्यारा भैया मेरा। फिर एक छोटा सा पार्ट आता है म्यूजिक का, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, बस खड़े होके कमर चलानी है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये सारी जो लाइन है वो दोबारा से रिपीट होंगी, तो आपको स्टेप भी सारी रिपीट करनी है। उसके बाद फिर से म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा म्यूजिक आता है बीच में, अपना एक हाथ उठाना है ऊपर लाना है, फिर दूसरा हाथ उठाते हुए ऊपर ले जाना है, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद म्यूजिक शुरू हो जाता है और आपको क्या करना है, दोनों हाथ नीचे लाने हैं और इस तरीके से खोलने हैं, और आपका पैर पीछे की तरफ जाएगा, 1, फिर ऊपर आएगा, पैर आगे है और हाथ इस तरीके से दोबारा से क्रॉस होंगे, और इसी तरीके से आपको लेना है राउंड। तो चलिए एक बार काउंटिंग करते हैं, यहां है आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर वापस आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस तरीके से एक हाथ ऊपर ही रहेगा और दूसरे हाथ को नीचे लाना है और हाथों को मूव करना है, कमर चलानी है, 1 2 3 4 5 6। फिर से आपको ये दोनों स्टेप को रिपीट करना है, यहां पर आए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होती है छोटे से म्यूजिक पे शहनाई की आवाज। अब आपको अपनी जगह से राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ मूव करना है, स्टेप आपको यही करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर लेना है राउंड और यहाँ पर खड़े हो जाना है। फिर गाने का पहला पार्ट स्टार्ट होता है, आज कैसी धूम है, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, आप ये खड़े हुए हैं, आज कैसी धूम है, धूम है पे पूरा करना है, आज कैसी धूम है, गा रही शहनाइयां, गा रही, पैर को क्रॉस करना है पैर से, 1 2 स्टेप, जैसे शहनाई बजा रहे उस तरीके से, शहनाइया, ठीक है। आंचलों की छाओं में बैठा भैया साइया, आपको क्या करना है, आंचलों की छाओं में बैठा भैया साइया, सेम वही जैसे भाई को देख रहे हैं और फिर बलाए ले रहे हैं। तो पूरा स्टेप क्या रहा, यहां से, आज कैसी धूम है, गा रही शहनाइयां, आंचलों की छाओ में बैठा भैया साइयां, पैर कुछ नहीं, 1 2 3 4, बस इतना चल रहा है। इसके बाद लाइन आती है, सज के डोली आएगी लौट कर जब साथ में, जैसे आपको स्टेप करना है, सज कर डोली आएगी, डोली की स्टेप करनी है और कमर को दो बार नीचे, 1 2 घुटने मोड़ के, फिर दो बार जब घुटने स्ट्रेट करेंगे फिर कमर चलानी है, 3 4, सज के डोली आएगी लौट के जब साथ में, ठीक है, लौट के जब साथ में, प्यारी सी भाभी का हाथ लूंगी अपने हाथ में, प्यारी सी भाभी का हाथ लूंगी अपने हाथ में, फिर दो बार हाथ खोल के राउंड, सामने रुक जाना है। फिर लाइन आती है, फिर एक दिन अरे क्या कहना, एक फूल सा खिलेगा अंगना, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर थे, आपने करना है, फिर एक दिन अरे क्या कहना, किसी फूल सा खिलेगा अंगना। फिर से वही वाली लाइन जो हमने पहले सीखी है वही रिपीट होगी,
प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनकर आ गया। आपको सेम वही सारी स्टेप को रिपीट करना है। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनके आ गया, प्यारा भैया मेरा रेशम की पगड़ी पे सहरा घर आंगन में खा गया, प्यारा भैया मेरा राम के साथ हाथ को। तो आपका गाना होता है कंप्लीट। अगर आप म्यूजिक के साथ भी ये स्टेप्स देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के लास्ट में लिंक दे दिया है, उसे क्लिक करते ही आप म्यूजिक के साथ सारी स्टेप्स देख पाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।